नहीं है और मैं उड़ी कंचन से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो ब्लॉक है वो बुनियार है, पहलीपुरा यहाँ का हमारा विलेज है। तो इस बार मैंने अपना ये एक फैसला बना लिया कि मैं यहाँ की यूथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने DDC इलेक्शंस में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। क्योंकि आज तक हमें ये देखने को मिल रहा था कि NC का है जी, ये यहाँ पर कोई साहब हैं, इनका बेटा है, इनका पोता है, खानदानी राज, तो चेंज कुछ नहीं मिली यहाँ पर। यहाँ की यूथ बेरोज़गार, पढ़ी लिखी यूथ है बेरोज़गार है यहाँ की यूथ। हमारे पास कोई भी जैसे प्राइवेट सेक्टर की कमी है यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, चाहे वो हमारे पंचस हो, सरपंचस हो, BDC हो, या अब DDC के इलेक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, तो सब ने यही प्रोग्राम बना रखा था कि हम किसी अच्छे से मतलब कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो उसको हम मौका देना चाहते हैं। अब की बार मैं आपकी वसादत से हर किसी मतलब नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि आप पढ़े लिखे हो तो सोच समझ कर अपना फैसला दें और ऐसे नौजवान को मौका दें जो कल को आपकी बात मीडिया की वसादत से या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की वसादत से किसी भी जगह पहुँचाने में कामयाब रह सके। अगर देखा जाए तो जो लोग बायकॉट करते हैं सबसे बड़ा नुकसान वही करते हैं। आप बोलेंगे कैसे, वो बायकॉट करते हैं, फायदे में वो लोग रह जाते हैं जो गूंस होते हैं, जो गुंडे होते हैं, उनको मौका मिल जाता है, उनके अपने 4-5 लोग होते हैं या कोई पार्टी होती है वो उनको मदद करके इलेक्शन जीत जाते हैं। कम से कम अगर वो लोग वोट नहीं करना चाहते उस बंदे को, उसके अपोजिट तो अगेंस्ट वोट कर सकते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अब की बार बायकॉट ना करें और यहाँ पर जितने भी लोग हो सकता है ये कोशिश करें कि नए चेहरे को मौका दें।